हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से स्टेपर मोटर की सीरीज को स्टार्ट किया है और बेसिक लॉजिक्स को देखा था हमने स्टेपर मोटर में, ठीक है। उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखा था हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब टाइप्स जो क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कितने तरह के आपके स्टेपर मोटर हो सकते हैं, हमने देखा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रोटर डिजाइन एंड रोटर कंस्ट्रक्शन। देयर आर थ्री टाइप बेसिकली एंड विच आर वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर। क्लियर? वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपोमीटर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये जो मोटर होगा इसको हम शॉर्ट में VRSM भी बोलते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि रोटर की डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है इसका नाम। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपोमीटर है यानी जो रोटर होगा, रोटर इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रोटर जो हमारा होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। क्लियर? ठीक है। और रोटर हैज नो वाइंडिंग, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, रोटर हैज नो वाइंडिंग। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे स्टेटर की बात करूं तो स्टेटर ऑलवेज हैज सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर एंड देयर इज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ऑन द सैलिएंट पोल, कंसंट्रेटेड स्टेटर वाइंडिंग ऑन सैलिएंट पोल्स। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन की चीज थी। क्लियर? अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करो तो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, आप नाम से ही लग रहा होगा कि इसका रिलक्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है विद द रोटर पोजीशन। चूंकि जो आपका रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है ये भी आपका सैलिएंट पोल टाइप ही होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, लेकिन जो रोटर पोल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सैलिएंट पोल टाइप ही होता है। क्लियर? ऐसा हम कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम मिनिमम रिलक्टेंस को सीन कर पाए, मतलब अगर स्टेटर से आप सप्लाई दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये ऑब्जर्व हो पाए कि स्टेटर फील्ड, अगर आप एज अ ऑब्जर्वर हैं स्टेटर फील्ड पे, तो स्टेटर फील्ड से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो रिलक्टेंस सीन होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेटर फील्ड से जिसको आपने एक्साइट किया हुआ है, उससे वो मिनिमम रिलक्टेंस सीन होना चाहिए। अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूँ यहाँ पे, तो वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल एज यूजुअल है, सारी चीज़ें वही रहेंगी जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे विजुलाइज करेंगे कि रोटर का पोजीशन कहाँ पे आगे अलाइन हो रहा है। क्लियर? तो इसके लिए मेन यही चीज़ है कि रिलक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड, जो भी आपने जिस स्टेटर सप्लाई पे आपने एनर्जाइज किया हुआ है उस स्टेटर वाइंडिंग को, उस फील्ड से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम रिलक्टेंस मिलना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो रिलक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड मस्ट बी मिनिमम। क्लियर? मिनिमम रिएक्टेंस मिलने का मतलब क्या हो गया कि आप अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की एक बात करते हैं तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। क्लियर? मिनिमम रिएक्टेंस, अगर आपका रिलक्टेंस मिनिमम होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आप यहां से एक और वर्ड निकाल सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज बाय
the magnetic axis must be maximum. Clear? The flux linkage by the field winding, जो भी आपने स्टेटर फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर? तो फ्लक्स लिंकेज मस्ट बी मैक्सिमम. मैक्सिमम. और ये फ्लक्स लिंकेज किसकी वजह से है, किसकी वजह से सेटअप होगा ये फ्लक्स लिंक? क्लियर? फॉर गिवन स्टेटर करंट, जो भी आपने स्टेटर करंट प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर्टिकुलर पोल के कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में आपने एक्साइटेशन दिया हुआ है, उसकी वजह से जो भी फ्लक्स सेटअप होगा वो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होना चाहिए. तो दोनों लॉजिक है यहाँ पे. एक लॉजिक है आपका वेरिएबल रिलक्टेंस के लॉजिक के थ्रू देखें तो मिनिमम रिलक्टेंस होना चाहिए. दूसरा लॉजिक हमने क्या देखा कि फ्लक्स लिंकेज मस्ट बी मैक्सिमम फॉर गिवन स्टेटर करंट. क्लियर? ठीक है. अगर हम यहां पे बात करें ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. क्लियर? और अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, कभी भी अगर आप किसी भी स्टेपर मोटर को डिजाइन करते हैं तो उसके डिजाइन के बेसिस पे उसका नॉमिनेचर भी होता है. अगर नॉमिनेचर की बात करें कि नॉमिनेचर हम कैसे करते हैं एक रिलक्टेंस मोटर केस में. क्लियर? तो वो हम कुछ ऐसे करते हैं, हम पहले फेज लिखते हैं कि उस स्टेटर वाइंडिंग कंसंट्रेटर वाइंडिंग की वजह से कितना फेज हो रहा है. क्लियर? फिर उसके बाद स्टेटर पोल्स होता है, फिर उसके बाद रोटर पोल्स होता है. क्लियर? ये आपके स्टेटर पोल का स्टेपर मोटर का एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर हो या फिर आपका परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हो या हाइब्रिड स्टेपर मोटर हो, उसका नॉमिनेचर ऐसे ही होता है कि कितना फेज क्रिएट हो रहा है. अगर हम एक सिक्वेंशियल एक सिंक्रोनियम बेसिस पे हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, तो वो कितना फेज क्रिएट कर रहा है. एक्चुअल में वो उतना फेज होता नहीं है. आप ये मत मानिए कि थ्री फेज अगर क्रिएट हो गया थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के थ्रू इनपुट पल्स दे रहे हैं और आप डीसी एक्साइटेशन नहीं करते, वो कंट्रोलर के थ्रू आपको एसी बेसिस पे मिलता है. क्लियर? ठीक है. तो उसका नॉमिनेचर क्या होता है? फेज, स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स. अगर नॉमिनेचर की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का, तो यहाँ पे जो फेज सिक्वेंस क्रिएट हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल है थ्री फेज स्टेटर पोल्स. नंबर ऑफ स्टेटर पोल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अगर मैं स्टेटर पोल की बात करूँ, ये मेरा स्टेटर पोल का सैलियंट स्ट्रक्चर है. क्लियर? 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोल, यानी आपके स्टेटर पोल्स कितने हो गए? 6 अपॉन रोटर पोल कितने हैं? 1 एंड 2, 6/2 पोल्स वी आर से. क्लियर? तो ये इसका नॉमिनेचर हो जाएगा. ठीक है? तो ये थ्री फेज 6/2 पोल्स वी आर एस एम. क्लियर? ठीक है. अब थोड़ा सा हम वी आर एस एम को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करते हैं इसके डायग्राम के थ्रू. क्लियर? तो यहां पे हमारा मैंने बता दिया था कैसे इसका नॉमिनेचर होता है. ये एक थ्री फेज 6/2 पोल्स वीआरएसएम का एक कंस्ट्रक्शन. यहां पे अगर हम स्टेटर कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्टेटर पे हमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग दिया हुआ है. ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग रेडियली एक दूसरे के साथ सीरीज में या पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. क्लियर? यहां पे आपने देखा कि मतलब अगर इस डायग्राम को आप देखें, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का स्ट्रक्चर हमने शो किया हुआ है यहाँ पे. क्लियर? तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स की बात करें तो हमारे पास 6 पोल्स हैं. क्लियर? तो पोल हमेशा पेयर में ही होते हैं, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को रेडियली कनेक्ट करते हैं. कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आर रेडियली कनेक्टेड.
यानी अपोजिट पोल के साथ ये रेडियली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, एक आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, दूसरा आपका साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक के लिए इनलेट करंट है तो दूसरे के लिए आपका आउटलेट करंट। क्लियर, रेडियली कनेक्टेड है और ये कनेक्शन इधर इन सीरीज और इन पैरेलल हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमारे पास 6 टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर स्टेटर पोल्स आर 6। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, पोल पेयर कितने हो जाएंगे, पोल पेयर अगर नंबर ऑफ पोल पेयर हम निकालें तो मस्ट बी इक्वल टू 6/2 या 3, यानी 6/2 पोल पेयर्स हैं। पोल पेयर्स का मतलब क्या हो गया, ये थ्री फेज सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, थ्री फेज सीक्वेंस क्रिएटेड। क्लियर, ताकि हम जो यहां पे इनपुट पल्स दे सकें, एक बार ए पे दिया, फिर हमने बी पे दिया, फिर हमने सी पे दिया। क्लियर, ये सीक्वेंस एक क्रिएट होगा, यानी आपके लिए फेज सीक्वेंस जो होगा वो ए बी एंड सी। क्लियर, और ए का रिटर्न पाथ ए डैश, बी का रिटर्न पाथ बी डैश, सी का रिटर्न पाथ सी डैश है। ये ऑलरेडी आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, ये आपका ए ए डैश बी बी डैश सी एंड सी डैश। क्लियर, तो ये आपके पोल पेयर हो गए, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर 6 बट पोल पेयर कॉम्बिनेशन आर 3, इसलिए इसकी वजह से ये थ्री फेज सिक्वेंस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी यहां पर अगर हम सप्लाई देंगे तो थ्री फेज सिक्वेंस के तौर पर देंगे। क्लियर, ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेव द सप्लाई टू ए डैश कॉइल, अगर हमने एक्साइट किया है, एनर्जाइज ए ए डैश कॉइल। क्लियर, हमने ए डैश कॉइल को एनर्जाइज किया। पहली चीज तो किसी भी चीज की एनालिसिस करने से पहले आप ये समझते हुए चलिएगा यहां पे कि हम ऑलरेडी एक रनिंग कंडीशन में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं ऑलरेडी रनिंग मोड में। तो रनिंग मोड में जब ये सिस्टम है तो हम एक रेफरेंस चूज करते हैं, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस चूज किया, रेफरेंस मैंने ये चूज किया कि मैंने ए डैश कॉइल को एनर्जाइज किया, यानी ए डैश कॉइल को एनर्जाइज करने का मतलब क्या हो गया, एनर्जाइज फेज ए, फेज ए को मैंने एनर्जाइज किया हुआ है यहाँ पे, फेज ए को एनर्जाइज किया हुआ है तो जो रोटर का पोजिशन मुझे मिल रहा है, रोटर पोजीशन अलाइन विथ, आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि रोटर पोजीशन क्या हो रहा है, ये जो हमने वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है, ये वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है, ये हमारे लिए रेफरेंस पोजीशन हो गया, इस रेफरेंस पोजीशन पे आपका रोटर अलाइन हो जा रहा है। क्लियर, जैसे ही आप ए डैश को एक्साइट कर रहे हैं तो रोटर पोजीशन क्या हो रहा है, 1 एंड 2, रोटर पोजीशन 1 एंड 2 अलाइन विथ स्टेटर पोल्स ऑफ ए। क्लियर, अगर मैं ए फेज के सीक्वेंस के तौर पे बात करूं या ए डैश कॉइल के बात करूं तो स्टेटर पोल्स पे अलाइन हो जाता है। अलाइन होने के पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है सबसे बड़ा रीजन कि आपको स्टेटर फील्ड, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिखना चाहिए कि इस पूरे मैग्नेटिक एक्सिस में, यानी अगर ये आपका रेफरेंस पोजीशन है तो इस एक्सिस में आपको जो वेरिएबल रिलक्टेंस देखने को मिले, यानी रिलक्टेंस देखने को मिले, वो मस्ट भी मिनिमम हो। और मिनिमम रिलक्टेंस होने का मतलब क्या होता है, एयर गैप मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका एयर गैप मिनिमम है तो ऑब्वियस ही बात है कि मिनिमम रिलक्टेंस होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटर फील्ड की, तो स्टेटर फील्ड यानी मैं ए डैश की बात कर रहा हूँ, अगर ए डैश से मैं विजुलाइज कर रहा हूँ तो ए डैश क्या विजुलाइज करेगा, ये विजुलाइज करेगा कि आपका एयर गैप क्या है, मिनिमम एयर गैप। अगर मैं सैलिएंट पोल की बात करूं तो ये जो एयर गैप है वो सबसे मिनिमम एयर गैप यहां पे हो रहा है। क्लियर, यहां पे एयर गैप मिनिमम है, मिनिमम एयर गैप का मतलब क्या हो गया, मिनिमम एयर गैप का मतलब ये हो गया कि आपने जो रिलक्टेंस सीन किया, क्लियर, तो रिलक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इज ऑल्सो मिनिमम, एयर गैप मिनिमम होगा, फ्लक्स लीकेज कम होगा, फ्लक्स लीकेज कम होने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा,
फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होने का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंस आपका मिनिमम, यानी जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, क्लियर, उसके लिए रिलक्टेंस आपका मिनिमम, क्लियर है चीज, ठीक है। तो रिलक्टेंस मिनिमम होने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज मस्ट बी मैक्सिमम, मस्ट बी मैक्सिमम, क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया कि जब आपने फेज को ए को एनर्जाइज किया, अब मैं बात करूंगा जब आप फेज बी को एनर्जाइज करें, क्लियर, यानी सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप आपका ये था, क्लियर, ये जो आपका रेफरेंस स्टेप है, क्लियर। अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, सबसे पहले डी एनर्जाइज, एनर्जाइज फेज ए, फेज ए को हमने डी एनर्जाइज किया, क्लियर, एंड अब उसके बाद क्या करेंगे, एनर्जाइज फेज बी। उसी समय जैसे ही हमने ए को डी एनर्जाइज किया, हमने फेज बी को एनर्जाइज कर दिया, आपको डायग्राम बी में दिख भी रहा होगा, क्लियर, कि यहां पे हमने क्या कर दिया, ये क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन यहां पे यूज किया गया, यहां पे वाइंडिंग के थ्रू बना के दिखाया गया था, ये क्रॉस और डॉट कन्वेंशन यही शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को आपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के थ्रू एक्साइट कर दिया। आप जो भी ड्राइव मैकेनिज्म यहां पे फॉलो करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट के थ्रू करेंगे, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ही होता है, क्लियर। आप इसको डीसी एक्साइटेशन के साथ ही एनर्जाइज कर रहे हैं, बट थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, यानी जो एनर्जाइज प्रोसेस हो रहा है, क्लियर, यानी वाइंडिंग इज एक्साइटेड और एनर्जाइज थ्रू एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं, क्लियर, बाय सप्लाइंग विथ डीसी सोर्स, विथ डीसी सोर्स, क्लियर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग आप एक्साइट कर रहे हैं लेकिन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कर रहे हैं। अब यहां पर आपने फेज बी को एक्साइट कर दिया, फेज बी को जब आपने एक्साइट किया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए को हमने डी एनर्जाइज किया, अभी आपका रोटर का पोजीशन 1 और 2 पे बना हुआ है, क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने फेज बी को एक्साइट किया, रोटर क्या करेगा, अब आपने इसको तो डी एनर्जाइज कर दिया है, आपने ए वाइंडिंग को तो डी एनर्जाइज कर दिया है, क्लियर, ठीक है, यानी ए फेज से पे कोई एनर्जी नहीं है, आपने उसी समय बी को एनर्जाइज कर दिया। जब आप बी को एनर्जाइज कर देंगे तो आपका रोटर का पोजीशन किस एक्सिस में अलाइन होना चाहेगा, वो तो उसी एक्सिस को फॉलो करेगा जहां पे क्या हो जाए, फिर से आपको मिनिमम रिलक्टेंस देखने को मिल जाए, मिनिमम रिलक्टेंस कह लीजिए या आपको फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम देखने को मिल जाए। तो रोटर क्या होगा, इस पोजीशन से, आपका रोटर पहले इस पोजीशन पे था, क्लियर, अब रोटर क्या होगा, इस पोजीशन से मूव करेगा और अलाइन हो जाएगा इस सैलियंट पोल के, यानी इस सैलियंट पोल के अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस सैलिएंट पोल के अलाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आप स्टेटर फील्ड जो विजुलाइज करेंगे वो बी वाइंडिंग से करेंगे, यानी बी फेज से आप ये देखेंगे कि आपको स्टेटर फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज होने के लिए इस रोटर को कितने एंगल रोटेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 6 पोल है और 6 पोल क्या है, 6 पोल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपका एक पेरीफेरी जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हर एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच में जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 360/6 यानी 60 डिग्री के बराबर, यानी हर पोल के बीच में जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 60 डिग्री के बराबर ही हो, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा, क्लियर। तो यहां पे आपने क्या देखा कि वो 60 डिग्री क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रहा है। आपका रोटर जो है वो पहले रेफरेंस पोजीशन पे था, यानी इसके लिए जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 डिग्री। जैसे ही आपने ये स्टेप किया, आपने क्या किया, एक्साइट किया बी को, क्लियर, और डी एनर्जाइज किया फेज ए को और एक्साइट किया फेज बी को, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, रिलक्टेंस, अगर मैं कहानी लिखना चाहूं तो इसमें लिख सकता हूं रिएक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड बाय
state of a by winding b, winding b कह लो या फेज b कह लो, क्लियर, मस्ट बी मिनिमम, क्लियर, मस्ट बी मिनिमम होने का मतलब क्या होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम होने का मतलब क्या हो गया, रोटर पोल मस्ट बी अलाइन विथ स्टेटर पोल, क्यों हो रहा है ये अलाइन, ताकि आपका एयर गैप मिनिमम हो सके, क्लियर, रोड मस्ट भी मिनिमम होना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें तो स्टेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज आपका मस्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप बी से सी पे आएंगे, आपने बी से क्या कर दिया, बी को डीएनर्जाइज कर दिया, यहां पर आपको जो एंगल मिलेगा, अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे ही आपने सेकेंड स्टेप किया तो आपको थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री के बराबर। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मैं रेफरेंस पोजीशन कहां लेके चल रहा हूं, मैं रेफरेंस पोजीशन लेके चल रहा हूं इस वर्टिकल एक्सिस को, ये मेरे लिए रेफरेंस पोजीशन है और यहां से मैं एंगल मेजर कर रहा हूं। तो पहले स्टेप में मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू जीरो है क्योंकि ये इसी के साथ अलाइन है, दूसरे में मैंने देखा कि इस रेफरेंस पोजिशन से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रहा है और थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल जा रही है, 60 डिग्री के बराबर, यानी यहां पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बराबर मिल गई एंड रोटर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटर आपका क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया, क्लियर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बी को डीएनर्जाइज करूंगा और सी को एनर्जाइज करूंगा, एंड थर्ड स्टेप की मैं अगर बात करूं तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही एक प्रोसेस सिंक्रोनिजम मैनर में चलता रहता है थ्रू द कंट्रोलर। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम जो सोर्स ड्राइव करेंगे वो एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट के थ्रू करेंगे, यानी थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, डी एनर्जाइज या डी एक्साइट, डी एनर्जाइज फेज बी एंड एनर्जाइज फेज सी, क्लियर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, मिनिमम रिएक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड सी, क्लियर, और ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, रोटर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगल स्टेप एंगल एंगल 60 डिग्री, क्लियर। तो जब रोटर आपका क्या करेगा, यहां पे आप देख भी सकते हो, यहां पे क्या हो गया, अब आपका रोटर इस पोजीशन में पहले था, इस पोजीशन से रोटर क्या हुआ, फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, यानी मैं अगर रेफरेंस पोजीशन से एंगल देखूं तो रेफरेंस पोजीशन से वो एंगल मुझे कितना दिखेगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे ये आपका फेस सिक्वेंस से क्रिएट हो रहा है, क्लियर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेप एंगल 60 डिग्री के साथ रोटेट होगा, यानी मैं अगर रेफरेंस पोजीशन के साथ देखूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री के बराबर, जब आपने ये स्टेप फॉलो किया। ऐसे ही ये चीज आगे बढ़ता रहेगा, यानी अगर मैं बात करूं यहां पे तो एक सिक्वेंस जो आपका एक प्रॉपर जो सिंक्रोनिज्म मैटर में एक सिक्वेंस पैटर्न क्रिएट होता है, जो सिक्वेंस क्रिएट होता है थ्रू द कंट्रोलर, आप एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, वो क्या हो जाता है, तो आप कैसे करेंगे, पहले आपने ए को एक्साइट किया, फिर आपने बी को एक्साइट किया, फिर आपने सी को एक्साइट किया, उसके बाद क्या करेंगे आप, ए के अपोजिट क्या है, ए डैश है, यानी आप ए डैश को एक्साइट करेंगे, फिर आप बी डैश को एक्साइट करेंगे, फिर आप सी डैश को एक्साइट करेंगे और फिर से आप ए को एक्साइट करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, क्लियर, 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, ऐसे करके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितने स्टेप फॉलो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, क्लियर। तो कितने स्टेप फॉलो करेगा, 6 स्टेप, क्योंकि हर एक स्टेप कितने एंगल का है, 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का होने का मतलब क्या है, 6 into 60 यानी 360 के बराबर, यानी स्टेप
जो आपको फॉलो होगा वो सिक्स स्टेप फॉलो होगा, एक कंप्लीट फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फिर तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा यहां पे कि कैसे एक आपका वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, जो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है यहां पे 6x2 थ्री फेज का, क्लियर, यहां पे थ्री फेज कैसे क्रिएट हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पोल पेयर का लॉजिक देके जो मैंने समझाया है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका कैसे पैटर्न फॉलो होता है और कैसे आप एनर्जाइज करते हैं हर एक फेज को। मैंने आप ए डैश बी डैश सी डैश इसलिए लिया क्योंकि वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ हो जाता है, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव पोलैरिटी होगा दूसरा आपका निगेटिव पोलैरिटी होगा। अगर मैं ए डैश को एक्साइट करूंगा तो जहां पे आप ए को देख रहे हैं ए पे क्या हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, अगर मैं ए डैश को एक्साइट करूंगा तो क्या हो जाएगा पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्लियर। तो ये सिक्वेंस आपका फॉलो होगा और यही सिक्वेंस आपका चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या लॉजिक है वेरिएबल रिएक्टेंस के पीछे, जो वर्किंग प्रिंसिपल है रोटर के मूवमेंट का वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।